अच्छा बच्चों आज एक नया पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे पिछले कक्षा में हम कुछ जानकारी हासिल किए थे उसके बारे में थोड़ा तो आज एक नया पाठ है सूर शाम। पाठ का नाम है सूर शाम। बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक में यहां कविता भाग में दिया गया है लेकिन यह कविता साहित्य के किस रूप में है ये पहले जान लेनेंगे हम यह पद कहलाता है क्या कहलाता है पद सूरदास के पद जैसे कन्नड़ में दासर पद गणु ऐसा कहते हैं ना वैसे ही हिंदी में कवि सूरदास जी लिखित पद है ये उसका नाम सूर श्याम तो अब हम इस पद के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने से पहले इसके रचयिता यानी कवि इसके बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेंगे ठीक है ना अच्छा देखिए पृष्ठ संख्या 123 अच्छा भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्य काश के सूर्य माने जाते हैं सूरदास को क्या माने जाते हैं हिंदी साहित्य काश के सूर्य और इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक जैसे भक्त कालों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति निर्गुण धारा और सगुण धारा तो ये कवि सगुण धारा के प्रवर्तक है इनका जन्म सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में सन 1540 में हुआ इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सूर सागर और सूर सारावली अतः साहित्य लहरी और इनकी मृत्यु सन सोलह बयालीस में हुआ इनके काव्यों में वात्सल्य श्रृंगार तथा भक्ति इन तीनों का उसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं संगम का मतलब होता है मिलाव समिश्र वात्सल्य भी है श्रृंगार भी है और भक्ति इन तीनों को मिलाकर उन्होंने काव्यों की रचना की है तो ऐसे एक अद्भुत कवि द्वारा रचित यह पद सूर श्याम तो इस पद का आशय के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं क्या मतलब भोले का भोले बोले तो जैसे वो दिमाग में सोचते हैं जो भी विचार वो अपने मुंह से उगल देते हैं उसमें छुपाने की घुमाने की गलत बोलने की कोई आदत नहीं ऐसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं उन बच्चों को जैसे हम भोले भोले पन ऐसा कहते हैं वे हमेशा अपने माता पिता से अपने भाई बहन से और मित्रों से कुछ ना कुछ शिकायत करते ही रहते हैं उनके ऊपर शिकायत मतलब कंप्लेंट, दूरु, ऐसा विचार उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है ऐसे वक्त बड़े लोग क्या करते हैं उनको गले लगाकर पुचकारते हैं और सांत्वना देते हैं मां और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना सूरदास ने करके इस पद में उनका मार्मिक चित्रण किया गया है यहाँ माँ यशोदा और बेटा कृष्ण तथा बलराम बच्चों यहाँ कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए गए हैं कवि सूरदास जी ने तो ये मत समझो कि यह पद पढ़ने से हमें कृष्ण के अपनी पूरा बाल लीला का ज्ञान समझ सकते हैं नहीं यहाँ कृष्ण के बाल लीला के एक ही घटना को लेकर और उसको माँ के साथ कल्पना करके इस पद में लिखा हुआ है कवि सूरदास जी ने तो अब हम उस पद का वाचन करेंगे मैं पढ़ता जाऊंगा आप किताब को देखते उंगली रखते जाइए क्योंकि यह प्राचीन कविता है पद है इसलिए कुछ शब्द आप लोगों को ये नए शब्द कहलाते हैं कभी भी सुने नहीं है इसलिए थोड़ा शब्दों की ओर ज्यादा ध्यान देकर देखते जाइए अच्छा मैया दाऊ बहुत खी जायो मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जशुमती कब जायो कहा कहूं यही रिसके मारे दे हो नहीं जात पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हारे ताक गोरे नंद जशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब सीखई देत बलबीर तू मोही को मारन सीखी ही कबहू न जई मोहन को मुख रीस समेत लखी जशुमती सुनी सुनी रिझई सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत सूर श्याम मोही गोदन की सौ हो माता तू पूत बच्चों एक बार यह कविता पढ़ने से हमें ये समझ नहीं सकता हम इसे समझ नहीं सकते क्योंकि नए शब्द ऐसे हैं वो प्राचीन कवियों ने जो अपने साहित्य में इस्तेमाल करते थे इसलिए आराम से पढ़ते जाना एक एक शब्द का अर्थ निकालते जाना तब यह कविता अत्यंत आसान से हम इसको समझ सकते हैं समझ में आया अच्छा तो यहाँ पहली पंक्ति में मैया इसका मतलब होता है माँ और मोही मुझे ननगे दाऊ यानी भैया कुछ लोग दादा भी कहते हैं यहां दादा का मतलब पिताजी के पिता नहीं ये भैया बहुत ये तो आसान शब्द है खिजायो छिडाना मोसो कहत मोसो मुझसे लिख लेना बच्चे सभी मूल मूल्य अथवा भाव लीनो लिया ली तो ही तुझे जशुमती यशोदा यशोदा जायो, जन्म दिया जायो के पदले पहले कब है तो कब जन्म दिया तो बच्चों अब हम इन दो पंक्तियों के अर्थ को समझते जाएं। यहाँ सुरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला को माता यशोदा इनके दोनों का संबंध इस प्रकार वर्णन करते हैं कि कृष्ण कहता है माता से कृष्णा मुझे कभी भी सताता रहता है छेड़ता रहता है कैसे छेड़ता रहता है तू मेरा भाई नहीं क्योंकि तुझे मेरी माता यशोदा ने मोल ली है क्या मतलब मोल का पैसे देकर खरीदना बोलते हैं या कभी कभी ऐसे बच्चों को गोद भी लिया जाता है तो यहां इस पद में गोद लिया इसका अर्थ अलग होता है ये मोल लिया पैसे देकर खरीदी है माता यशोदा ने तो मेरा भाई नहीं है और कहता है यशोदा ने तुमको कब जन्म दिया है समझ में आया ना यहाँ कृष्ण कहता है भाई बलराम मुझे कभी भी छेड़ता रहता है और कहता है कि तू मेरा भाई नहीं है तुझे मोल लाई है माता यशोदा ने इस प्रकार कहा कहो इसी रीस के मारे इसी रीस रीस का मतलब क्रोध सिट्टू खेलन हो नहीं जात खेलन हो खेलने को नहीं जात जाता पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तात पुनि पुनि बार बार मतलब मत्ते 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 कहता है बलराम तुम्हारे माता कौन है और पिता कौन है यहां माता का मतलब माता और तांत का मतलब पिता तुम्हारे माता कौन है तुम्हारे पिता कौन है देखिए तीसरी पंक्ति में इसी रीस के मारे बलराम कृष्ण को कभी भी छेड़ता रहता है इसलिए उसको गुस्सा आता है क्रोध आता है इस कारण से वो बलराम के साथ कभी भी खेलने के लिए नहीं जाता उनके साथ मिलकर वो खेलना नहीं चाहता क्योंकि उसको बलराम ने छेड़ता रहता है ना इसलिए और कहता है बलराम बार बार कहता है एक बार कहता है तो वह सहन सकता लेकिन नहीं बार बार कहता रहता है तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिताजी कौन है इसलिए वह उसके साथ खेलने को भी नहीं जाता गोरे नंद जशोदा गोरी तुमकत साम शरीर गोरे यहां सफेद गोरी स्त्रीलिंग वो भी सफेद अर्थ देने वाला शब्द है कत क्यों शाम शरीर सांवला रंग का शरीर अथवा देह शाम का मतलब सांवला जैसे हम सामान्य तौर पर उसको काला भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं काला चुटकी दई दई हंसत ग्वाल चुटकी बजाकर चुटकी दई दही का मतलब चुटकी बजाकर हंसते हैं ग्वाल गोपालक गाय बैल आदि को चराने वाले को हम कहते हैं ग्वाल अथवा गोपालक गायों का बैलों का पालन करने वाला लिख लिया है नाम अक्षय अच्छा सब सीख ही दे बलबीर ये उनके सखा ये जो गोपालक हैं उन सभी को किसने सिखा देता है कृष्ण के बारे में बलराम उसको ही बलबीर कहते हैं मित्रों गोपालकों को कृष्ण ऐसा है वो मेरा भाई नहीं है इस प्रकार सिखा देता है इसलिए वो चुटकी बजा बजा कर उसको मजाक उड़ाते हैं या तमाशा करते हैं तो देखिए गोरे नंद यशोदा गोरी नंद यहाँ कृष्ण और बलराम के पिताजी यशोदा इनकी माता इसलिए मेरे पिता नंद भी गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी है और तू क्यों यहाँ काला रंग वाला मतलब श्याम वर्ण वाला समझ में आया ना श्याम वर्ण मतलब काला जैसे हम सामान्य तौर पर देखे तो कृष्ण यहां काला भी नहीं है और एक तरफ नीली रंग जैसा दिखता है इसलिए मेघ वर्ण मेघ मतलब बादल बादलों के रंग जैसा है कृष्ण इसलिए उसको सांवला कहते हैं श्याम वर्ण कहते हैं मेघ वर्ण कहते हैं और काला भी कह सकते हैं तो इसलिए बलराम उनसे कहता है वो दोनों मेरे पाता पिता दोनों गोरे हैं और तू क्यों काला ऐसा पूछता है बलराम यह विचार जब गोपालकों को मालूम होता है इसलिए गोपालकों ने ग्वाले मित्रों ने कृष्ण को चुटकी बजाकर क्या बजाकर हां चुटकी बजाकर उसको मजाक करते हैं इसलिए मैंने कहा ये गोपालकों को बलबीर ने ही सिखाया या बलराम ने ही सिखाया क्या सिखाया ये मेरा भाई नहीं मेरे माता पिता ने उसको मोल लिए हैं ऐसा सिखाया तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न खींच हे मां यशोदा तू सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है मुझे ही डांट फटकारना सीखी है कृष्ण कहता है माँ से और भैया बलराम को तो कभी उस पर गुस्सा भी नहीं करती उसको मारती भी नहीं और पीटती भी नहीं सिर्फ मेरे को ही मारती है वही आपने सीखी है यह बात सुनकर माता यशोदा को हंसी आती है मोहन को मुखरी से समेत लखी जसुमती सुनी सुनी रिझी मोहन कौन है यहां मोहन कृष्णा हाथ में मुरली लेकर बैठा होता है तो उसको मुरली वाला मुरली मोहन कहते हैं तो यहां हंसती हुई माता आती है और उसके शिकायत को स्वीकार करती है और कहती है सुन कान्हा एक तरफ बलराम को और एक तरफ कृष्ण दोनों को हाथ में ऐसा पकड़ कर जैसे यहाँ चित्र में देखते होंगे आप लोग कहती है सुन हूं कान्हा कान्हा कृष्ण सुनो बलभद्र चबाई चबाई का मतलब हमारे पीठ के पीछे जाकर जो कुछ भी विचार करके मजाक उड़ाने वाले को हम चबाई कहते हैं बलराम का गुण ऐसा ही है वो दूसरों को कभी भी ऐसा चबाई करके अपने आप को मजा लेने वाला है इसलिए कहती है यशोदा देखो कृष्ण बलराम जन्म से ही वो धूत है दुष्ट है ऐसा हंसी मजाक उड़ाने वाला है उसका वो गुण पैदाइश से ही आया हुआ गुण है इसलिए यशोदा कहते हैं देखो यहां तुम्हारी ये गाय है ना इसकी कसम से मैं कहती हूं ये गोदन की कसम खाकर यह मतलब सूर शाम मोही गोदन की सौ सौगन कसम इस पर कसम खाती हूं तू ही मेरा बेटा बलराम ही मेरा ही बेटा और मैं ही तुम्हारी माता हूं देखिए कितना वात्सल्य से यहां अपने बेटे को सांत्वना दे रही है ऐसा मत कहो कृष्ण कान्हा तुम दोनों मेरे ही पुत्र हैं और मैं ही तुम्हारी माता हूं तो बच्चों यहाँ पद का संक्षिप्त सारांश हुआ और जिस विचार से हम इसको ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि परीक्षा के संदर्भ में एक प्रश्न दो अंक के लिए आ सकता है नहीं तो एक प्रश्न तीन अंक के लिए आ सकता है इसलिए हम यहाँ तीन प्रश्नों का उत्तर समझ लिए तो बस और एक प्रश्न अनुरूपता के रूप में भी आ सकता है कौन कौन से वो तीन प्रश्न सबसे पहली प्रश्न है कृष्ण बलराम के साथ खेलने को क्यों नहीं जाता और दूसरा प्रश्न है बलराम के प्रति कृष्ण की क्या शिकायत है बलराम के प्रति कृष्ण का क्या शिकायत और तीसरी प्रश्न है कृष्ण के क्रोध को यशोदा अथवा यशोदा कैसे शांत करती है अथवा सांत्वना देती है ये तीनों प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर उससे भी आसान है तो हम इस पद का अर्थ आप लोगों को समझ में आया ऐसा मानता हूं तो अगले कक्षा में इन तीनों प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त करते जाएंगे ठीक है ना हाँ तो अगली कक्षा में आप लोग इन तीनों प्रश्नों को और उसका उत्तर को पढ़ कर आना चाहिए मैं भी बताऊंगा और आप भी बताएं ओके ओके okay, धन्यवाद